YouTube पे अर्कू वैली के ट्रिप में किसी ने बताया नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट विजिट एंड आई एम लकी टू दैट मेरे को भी यही आने का मौका मिला। क्या कह रही हो? चिकन। आई एम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वेजिटेरियन स्वीट कर ले लो। स्वीट कॉर्न? हाँ, अभी स्वीट कॉर्न का तो मन ही नहीं है। अभी फिलहाल हमारे पास चार बजे की ना हमारी ट्रेन, पाँच बजे के आसपास की हमारी ट्रेन है, इसलिए हमने एक ऑटो पूरा रिजर्व कर लिया। तो अभी हम सारा फटाफट देख रहे हैं, व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, 5-10 मिनट रुके, निकल लिए, फोटो ली, निकल लिए। बाकी बस ऐसे ही चल रही है, भागम वाली जर्नी चल रही है। तो अनंतगिरी भैया, अनंतगिरी गांव है क्या? ये अभी हम गांव में चल रहे हैं, उनको हिंदी का है ना। अभी हम गांव में चल रहे हैं क्या? हा? अभी हम गांव में चल रहे हैं, वी आर रनिंग इन विलेज एट दिस टाइम। अच्छा तो गाइस, यहां पर एक ये गांव का स्कूल, गांव में स्कूल है। छूट जाएगी तो बस से चले जाएंगे, ऐसी टेंशन ना लेते हम। यहाँ रुकने के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि आपको रुकना चाहिए, रुके एक रात रुके या दो रात रुके। यहाँ तो सुबह आओ अपना ट्रेन पकड़ के और शाम वाली ट्रेन आओ, सुबह आओ ट्रेन पकड़ के, घूमो यहाँ पे, पहुँचो। खाने पीने का कुछ वेजिटेरियन के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बाकी है थोड़ा बहुत मतलब मिल जाएगा, प्योर वेजिटेरियन तो नहीं मिलेगा, बाकी नॉन वेज के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। और हाँ, अगर आप आसपास से आ रहे हो तो मेरा सजेशन ये लगा, थोड़ा बैग में कुछ खाने पीने के लिए अपने साथ लेके आए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। बाकी घूमें, इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो गाइज, हम यहाँ पर आ गए रिजर्वायर, एक्चुअली डैम है यहाँ पर एक रिजर्वायर, थोड़ा सा दूर है अर्कू से, लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे हम ऑटो तो रिजर्व करके आए, पीछे हमें ऑटो वाले ने उतार दिया, इससे आगे ऑटो नहीं जाते। और यहाँ से 100 मीटर हमें पैदल चल के जाना है। व्यू यहाँ का कुछ ऐसा है, नहीं तो अगर थोड़ा ठंडा रहता तो मज़ा आता फिर। हाँ, जितना ठंडा ऊपर था ना, हाँ इतना ठंडा रहता मज़ा आता। पर यहाँ आकर गाइस थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी सी क्या पूरी बढ़ गई गर्मी, वहाँ पर ऊपर ठंडा था। बाकी यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, हिल्स दिख रहे हैं। वाह, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। वाओ यार, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। शायद ही अब तक YouTube पे अर्कू वैली के ट्रिप में किसी ने बताया नहीं होगा रिजर्वायर के बारे में, मैंने तो देखा नहीं। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अर्कू वैली आ रहे हैं विशाखापट्टनम से, तो अर्कू वैली से आते वक्त आप रिजर्वायर ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार। अब यहाँ से हमें जंप लेनी पड़ेगी ऊँची वाली। कुछ जाओ भैया, वेरी गुड। ले ली जंप। वाओ, क्या सुंदर नज़ारा है। दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट विजिट एंड आई एम लकी टू दैट मेरे को भी यही आने का मौका मिला, बड़ी खुशी। हाँ, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। हाँ, अब नहीं जाएंगे यहाँ से। हाँ, जंप लगाओ, जंप पे मजा आएगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ, उधर ही चल रहे हैं। हाँ, कपड़े ले लो भाई। तो भाई जा रहे हैं स्विमिंग करने। तो गाइस, मजा तो वाकई यहाँ बहुत आ रहा है, वाकई में अलग अलग। पूरा एडवेंचर हो रहा है,
यहाँ जाने के लिए हमें कभी चढ़ना पड़ रहा है, कभी जंप लेना पड़ रहा है। ये तो बहुत गर्म हो रहा है पाइप पकड़ने के लिए। भागो भागो, मुझे लग रहा है तैराकी मुश्किल है। क्यों? पानी का बहाव लग रहा है, पानी का बहाव लग रहा है ना। ओ भाई, ये पानी खींच रहा है ना, ये मेरे को भी अंदर खींच लेगा। हाँ भाई, मत बट दिस एरिया इज नॉट सेफ। तो भाई यहाँ तैरना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पानी आप देख, पानी तो अभी तो भाई तैरने की कह रहे थे फिर यहाँ ठीक नहीं है तैरना, सेफ नहीं है। तो अभी हम फोटो वोटो लेके वापस जा रहे हैं। लेकिन तैर सकता हूँ तो जहाँ जगह अच्छी है, रिजर्वायर। अर्कू वैली से जस्ट 80 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, 80 किलोमीटर के ऑलमोस्ट पड़ती है ये जगह, और बोरा केव से अराउंड 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। वैसे ही टूरिस्ट पॉइंट है नहीं, यहाँ पे आपको सारे लोकल्स दिखेंगे, यहाँ की जो आसपास के मतलब इस गांव के बच्चे यहाँ लोकल्स दिखेंगे। यहाँ आपको कोई टूरिस्ट दिखेगा नहीं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ऊपर अर्कू वैली में तो काफ़ी बढ़िया मौसम था, ठंडा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है एक्चुअली। अभी आइसक्रीम लिया एक।